स्वागत है आपका लाइव दरभंगा सिटी में। आज केवटी विधानसभा कार्यकर्ता का बैठक किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जनाब मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब, केवटी के विधायक जनाब डॉक्टर फराज फातमी साहब, दरभंगा ज़िला के जदयू अध्यक्ष श्री विनय कुमार चौधरी उर्फ अजय चौधरी जी और माननीय सदस्य कार्यकर्तागण के द्वारा आज जनाब मोहम्मद अली अशरफ फातमी साहब के आवास पे केवटी विधानसभा कार्यकर्ता का बैठक किया गया, जिसमें राजद के कई कार्यकर्ता जो कि जदयू में शामिल हुए। हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, ये ताकत दिखाता है कि जनता दल यूनाइटेड की ताकत कितनी बड़ी है। साथियों से वादा के अंदर ये दिखाता है। आज कई पंचायत के मुखिया भी हैं, एक्स मुखिया भी हैं, सरपंच साहब भी हैं, त्रिस्तरीय पंचायत के सम्मानित लोग भी यहाँ मौजूद हैं। मैं कई कई लोगों को जानता हूँ, मालपट्टी से आए, भरवारा से आए, भुवारा से आए, मैं सभी लोगों का खैर मकदम करता हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा साथियों, आज का दिन सबसे जरूरी चीज है कि किस तरीके से हम जो परसों वर्चुअल रैली होने जा रही है उसको हमें कामयाब बनाना है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना में आम जनसभा नहीं हो सकती है, इलेक्शन कमीशन का भी डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने जो एक गाइडलाइन निकाली का इंतजाम होता था। कई ऐसे गरीब वर्कर है जिनके पास फोन नहीं है, कई लोग के पास एंड्रॉइड फोन नहीं है कि वो इस मीटिंग को, इस रैली को सुन सके या देख सके। तो इसलिए इसको किस तरीके से हम कामयाब बनाए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 5 साल और उसके साथ 10 साल 15 साल इस बिहार की गति को संभाला है, इस बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है, उस रैली के तहत उन सारी चीजों को वो बताने का काम करना चाहते हैं। तो बहुत लोगों को तकलीफ होगी कि भाई मोबाइल नहीं है, मोबाइल के जरिए हम कैसे देखें। तो मुझे लगता है हर घर में एक टीवी तो जरूर मौजूद है साथियों, और हर टीवी पे ये जो लिंक है इसको आप जोड़ सकते हैं और निश्चित तौर पर उस रैली को आप सुन सकते हैं, उस माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण को सुन सकते हैं। दूसरा तरीका है, जो लिंक है उस लिंक को मोबाइल के जरिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके जरिए भी आप देख सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे भी इंतजाम कराया है चंद लोगों के, क्योंकि जगह तो कम है, यहाँ भी स्क्रीन हम लोग लगवा रहे हैं। और सिंगवारा से माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे कुछ लिस्ट भेजा है, पप्पू चौधरी जी ने भेजा था, तो उसका भी हम लोग स्क्रीन का इंतजाम अगर हो जाता है तो उन लोकेशन पे भी हम लोग आपको ये समझने की जरूरत है। आज के दिन कई लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरे केवटी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, पूरे फोर्स को भेजने का काम किया, मोहब्बत किसी तरीके से जाए जो वहां पे कायम हो उसका इंतजाम किया, किस तरीके से पीस वहां पे पैदा हो उसका काम किया, तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा। इस एरिया में मैं सिर्फ देखिए, पैसा इतनी आसानी से नहीं आता है साथियों, इन सब सड़कों का पैसा गिन लीजिए कितना पैसा आया सिर्फ एक जगह पे। नहीं करते जो भी कम्युनिटी का काम होता है, किसी भी कम्युनिटी का, उसमें वो मदद करते हैं। कोई गलत है तो बताइए, कौन सा काम कर दिया, इनके मानता मैंने काम किया, कितने लोगों की खिदमत की है, उसपे कभी कमी नहीं की है साथियों, पूरी मेहनत और पूरी मशक्कत के साथ किया है, कभी कोई काम नहीं, कभी कमी नहीं की है। अगर कोई कमी की है तो बता सकता है, कभी कोई पक्षपात भी नहीं किया है। कोई भी समाज का व्यक्ति मेरे पास आया हो, कहीं से भी आया हो, मैंने कहीं पूछा नहीं, नाम बोला मैं क्यूटी से हो, ना काम बताइए क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ ये 5 साल हम लोग नहीं, 30 साल से रिश्ता है साथियों। चार मतलब नूर आलम भाई दरबारा, नूर भाई के साथ करवारा भरूली पंचायत से आए हुए बहुत सारी सारे साथी ज्वाइन कर रहे हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साबरी साहब, सरपंच साहब को बहुत बहुत जदयू के सदस्यता लेते हुए,
आइए डॉक्टर साहब जी भाई आइए 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 बहुत बहुत धन्यवाद मुमताज भाई। मोहम्मद अयूब हरिहरपुर बहुत बहुत धन्यवाद अयूब भाई तो आज जब जीवन सफलता ग्रहण किए। हमारे जनता नेतृत्व के सिंहवाड़ा प्रखंड के सभी पदाधिकारी पार्टी के जिन्होंने आज 50-55 लोगों ने जिन्होंने जनता दल यू की सदस्यता ली उनका पार्टी के सभी पदाधिकारी और सिंहवाड़ा प्रखंड के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और खासतौर से मैं आज